ओके जी, आज वील लर्न अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग, कैसे ली जा कैसे करते हैं, हिस्ट्री कैसे ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज़ क्लिनिकल साइड पे। तब तक सक्सेस नहीं हो सकती जब तक आप एक अच्छी हिस्ट्री नहीं ले सकते। अगर आप अच्छी हिस्ट्री नहीं लेंगे तो ऑफ कोर्स ये बात है, आप सारे टेस्ट पेशेंट के कराएंगे और सारे टेस्ट कराएंगे तो उसका ढेर सारा खर्चा और साथ ही साथ आपकी स्किल की मार। तो हिस्ट्री अच्छी लेनी चाहिए, उसके साथ साथ हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि आपकी थर्ड ईयर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के होते हैं। तो अगर आपकी हिस्ट्री नहीं अच्छी तो आपका पास होना बहुत नामुमकिन सी बात होती है। सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री कैसे लेनी है। सबसे पहला काम ये करना है आपने कि पहला स्टेप होता है पेशेंट की डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। नहीं, पहला स्टेप तो ये होता है कि आपने पेशेंट अगर बैठा हुआ है लेटा हुआ है उसे राइट साइड से अप्रोच करना है। ये तो होगी जनरल बात, राइट साइड के पेशेंट ने जाके सलाम करना है पहले। पहली बात ये है कि आप जो भी लैंग्वेज रखते हैं उसमें आप सलाम करें, बल्कि पेशेंट की लैंग्वेज में सलाम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। पहला आपने कह दिया सलाम अस्सलाम वालेकुम, फिर आपने कराना है अपना इंट्रोडक्शन लाजमी तौर पर। पेशेंट से कुछ ही पूछने से पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है। हालत ऐसी में जाए कि वो आपको देख के पहचान ले कि आप डॉक्टर हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहन के और वाइट कोट उतार के जाएंगे तो वो उसे पता नहीं चलेगा डॉक्टर पहले, तो वो आपको सस्पेक्ट करेगा। इसलिए बेहतर होता है बंदा स्ट्रेच लगा के वाइट कोट पहन के तशरीफ़ लेके जाए ताकि पेशेंट को डॉक्टर का हुलिया देख के दिल भी करे कि वो हिस्ट्री दे। प्रेजेंटेबल हालत होने के अपेयरेंस होने के मार्क्स होते हैं, ये मैं बता दूँ। जो हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें सबसे पहले तीन नंबर होते हैं अपेयरेंस के, डॉक्टर के अपनी अपेयरेंस के। उसके बाद हमारे पास हमने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, मेरा नाम डॉक्टर फलाना है, जो भी आपका नाम है। एंड उसके बाद आपने कहना है कि मैंने आपसे कुछ मालूमात करनी है, तो फिर आपने उसके बाद पेशेंट से सवाल शुरू करने हैं। अब सवाल में पहले आपने पूछनी है पेशेंट की डेमोग्राफिक प्रोफाइल, दैट इज़ पेशेंट का नाम, आपका नाम क्या है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ होगी। फिर आपने पूछनी है, अच्छा पहली बात है कि अगर पेशेंट समटाइम्स इस कंडीशन में नहीं होता कि वो जवाब दे या फिर उसे जवाब देते हुए ज़रा मसला हो रहा होता है, तो आप काइंडली अगर उनके कोई करीबी अटेंडेंट मौजूद है, कोई ऐसा बंदा जिसको उनके बारे में ज़्यादा सारी काफ़ी सारी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, तो आप उससे पूछ लें। अदरवाइज़ अगर कोई उनकी बहुत दूर भाग की कोई ऐसी रिश्तेदार कोई अटेंडेंट है जिसे नहीं पता, तो फिर आप उससे हिस्ट्री लेना लेने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पेशेंट खुद दे तो सबसे बेस्ट है, अटेंडेंट अगर दे रहा है तो फिर वो कोई ऐसा हो जो सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक जानता हो। नेम पूछने के बाद यू हैव टू आस्क फॉर द एज, उम्र कितनी है। बूढ़े लोग होते हैं ज़्यादातर, आप पूछ रहे हैं भाई अंदाज़न उम्र बता दें, अगर वो फिर भी नहीं बताना चाहते तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ज़्यादातर 60-50 साल के ही आते हैं, नहीं तो अगर कोई यंग एज का होगा तो उसे अपनी पता ही होगी। उम्र के बाद यू हैव टू आस्क कि आप कहाँ से आए हैं, इलाका कौन सा है, रहते कहाँ पर हैं। जिस जगह के वो रहने वाले होते हैं उस हिसाब से आप असेस कर लेते हैं कि इनका कुछ ना कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा होगा, और ऑलमोस्ट ये कि उन्हें आते हुए या फिर इतने दूर आए हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन ऑल दैट, ठीक है। तो आपने पूछना है रेजिडेंस, किस जगह रहते हैं, इलाका वगैरह। देन आपने अगला सवाल करना है कि आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन, ठीक है। डिटेल्स में नहीं चले जाना ऑक्यूपेशन की कि अपना एक एक काम बताएं, बस ये बताएं मोटे सा बात के काम पे करती हैं, अगर फीमेल्स हैं मोस्टली हाउसवाइफ्स होती हैं और मेल पर्सन है तो वो जो भी करते हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है जी। देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बाद आपका नेक्स्ट आता है, आपने पूछना होते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप पूछेंगे, अगला सवाल होगा सब ये पूछने के बाद कि आप कहाँ से हैं, कि यहाँ कैसे और कब आना हुआ, ठीक है। यहाँ कैसे और कब आना हुआ, सबसे पहले पेशेंट आपको बताएगा कि मैं आया था कल या 10 तारीख को या 10 दिन पहले, तो यहाँ कैसे और कब आना हुआ आपने सवाल करना है। फिर आपने पूछना है कि किस जगह आए थे, इमरजेंसी में आए थे या ओपीडी में आए थे, ये बात आपने खुद पूछनी है कि वो नहीं बताते, वो जो भी बताएंगे। आपने पूछना है किस वक्त आए थे, दिन को रात को सुबह, एग्जैक्टली क्या टाइम था। उससे आपको अंदाज़ा ही हो जाता है कि अगर वो इमरजेंसी में सपोज रात के 1-2 बजे आए थे, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ कोई बहुत सीरियस मसला था कि उसे रात की आधी रात को आना पड़ा। अगर वो कहेगा सुबह 11 बजे या 2 बजे ओपीडी में आया था, इसका मतलब कि मसला इतना सीरियस नहीं था, ठीक है। उसकी बात को आपने इस तरह से लिखना है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में कि पेशेंट प्रेजेंटेड इन ER इमरजेंसी के लिए या फिर OPD, ज़ाहिर OPD के लिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एट 10th November एट 2 AM, ये लिख देना आपने विद द कंप्लेंट्स ऑफ। फिर आपने पूछना है कि कैसे आए थे और क्यों आए थे, वो आपको बताएगा क्यों। मैं उसने उससे उल्टी सीधी बातें आपने नहीं पूछने लग जानी, अगर वो क्यों की बात शुरू करते 2 महीने पहले मुझे ये हुआ था, तो आपने फ़ौरन उसे ट्रैक पे लाना है कि नहीं ये बताओ कि अभी जब आए थे तो क्या हुआ था, क्या मसला था, यहाँ पर जब प्रेजेंट किया है हॉस्पिटल में, अस्पताल में जब आए हैं तो क्या किस मसले के साथ आए थे। ओके, अगर सपोज़ के मुझे इधर पेट में राइट सीधी तरफ बहुत दर्द था, बहुत शदीद दर्द, वो आपको इतना ही बताएगा,
फिर आपने पूछना साथ बुखार था तो हुआ तो वो जरूर, वो यकीनी तौर पे होता ही होता है, वो कहेगा हाँ बुखार था। फिर पूछना है आपने कि दर्द कितने दिन से था, खाली इतनी बात पूछनी है कितने दिन से था, वो बता देगा बुखार कितने दिन से था। फिर आपने पूछना है कि साथ क्या उल्टियाँ भी थीं, वो बताएगा उल्टियाँ भी थी, मोस्टली होती हैं, खैर नहीं भी हो तो ठीक है। वो आपने पूछना है कितने दिन से थी या कितने टाइम से थी, वो आपने लिख लेना है, ठीक है। फिर आपने अगला सवाल कर लेना है कि साथ और कोई बीमारी या और कोई मसला था पूरी जिस्म में, कि और दर्द था या कोई और चीज़ थी, वो कहेगा नहीं, या कुछ भी जो भी कहेगा आपने लिख लेना है, ठीक है। फिर जो जो उसने बताया होगा कि उसके ये चीज़, सपोज उसने कहा कि दर्द उसे उसी दिन शुरू हुआ था, बुखार उसे पिछले दिन से था, 2 दिन से था, और उल्टियाँ जो हैं वो उसे बिल्कुल आने से 10-15 मिनट पहले जो है वो उसे उल्टियाँ शुरू हुई थी। तो आपने इन चीज़ों को लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जो सबसे पुरानी चीज़ है उसे सबसे पहले लिखना है और नई चीज़ों को बाद में लिखना है। सपोज उसे 2 दिन से बुखार था तो आप सबसे पहले लिखेंगे फीवर 2 डेज़। फिर उसे 1 दिन से दर्द हुआ तो आप लिखेंगे कि पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, या फिर राइट साइड का जो एरिया बनता है, राइट लंबर रीजन या व्हाटसएवर, फॉर 1 डे। और फिर आप लिखेंगे कि वॉमिटिंग्स 1 एपिसोड जस्ट बिफोर प्रेजेंटेशन, या 1 एपिसोड है, 2 एपिसोड हैं, जो भी हैं जस्ट बिफोर प्रेजेंटेशन। ये होगी हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ना पेशेंट को जाने देना, अगर वो कहानियाँ सुनाने लग जाते तो उसे रोक देना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं अगले चीज़ होती है प्री मॉर्बिड्स। प्री मॉर्बिड्स इसलिए लिखने ज़रूरी होते हैं कि ये शुरू में ही पढ़ने वाला कुछ चीज़ों को रूल आउट करते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन है कुछ बीमारियाँ, कोई भी क्राउडेड एरिया, पाकिस्तान इंडिया जैसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, एस्थमा, ये बीमारियाँ बहुत कॉमन होती हैं। शुरू में ही ये पूछने के बाद आप पेशेंट से पूछने के क्या है, पेशेंट से कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन, तो वो समझेगा नहीं हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर का कोई मसला है, वो कहेगा हाँ या ना, बस ये नहीं पूछना कितने अरसे से है। फिर आप पूछेंगे हाइपरटेंशन के लिए हम HTN लिखते हैं, सपोज उसे नहीं था आप लिखने के नेगेटिव। देन यू लास्ट आपको शुगर है, सपोज उसने कहा हाँ शुगर पॉजिटिव। आप पूछेंगे उसे आपको कभी TB हुआ है ज़िंदगी में, वो कहेगा नहीं TB नेगेटिव आ गया। एस्थमा है आपको, जो भी उसने कहा एस्थमा के बारे में आप लिखेंगे और पॉजिटिव या नेगेटिव डाल देंगे, ठीक है। ये होगी आपके प्री मॉर्बिड्स। देखने वाले को फौरी तौर पर कुछ चीज़ें रूल आउट करना ज़रूरी होता है, बस डिटेल नहीं पूछनी। फिर आपने अगली हेडिंग होती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो है, अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने वो सारी चीज़ें जो उसने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में बताई हैं उनमें से एक एक को पकड़ के उनकी खाल उधेड़ के रख देनी है। सपोज़ उसने कहा आपको कि उसे बुखार था, बुखार से आप शुरू करेंगे, बुखार के बारे में आप हर सवाल करेंगे, बुखार कितने दिन से था, कितना तेज़ था, आपने चेक किया या आपने अंदाज़ा किया कि इतना तेज़ था, आपने उसके लिए कोई गोली खाई कि नहीं खाई, गोली से ठीक हुआ था कि ऐसे ही ठीक हो गया था, मुसलसल रहा है कि बीच में ठीक भी हुआ है। आप फिर लिखेंगे उसमें हाई ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, और फिर फीवर की टाइप आप लिखेंगे कि कंटिन्यूस, रिमिटेंट, या फिर व्हाट्स एवर रिलैप्सिंग फीवर, जो होगा वो आपको ज़ाहिर पता होती है, पहले से आपने पढ़ी हुई होती है तो आपको पता होंगी। फिर आपने फीवर की टाइप लिख देनी होती है, फिर आपने पूछना है कि बुखार, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि उसने गोली इस्तेमाल की है कि नहीं की, उससे बुखार उतरा है कि नहीं उतरा, एंड ऑल दैट। फीवर की डिटेल्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने इसमें करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सपोज उसने आपको बताया था कि उसे पेन थी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, आपने उससे पूछना है एग्जैक्ट जगह बताओ कि दर्द कहाँ पर थी, हाथ लगा के बताएगा, हाथ आपने वहाँ लगा के चेक करना है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, दबाने से दर्द तो नहीं होता। आपने पूछना है कि उस वक्त जो दर्द था और अभी भी अगर है तो क्या वो, इस अगर अभी नहीं भी है तो उस वक्त जो था वो किस तरह का था, बहुत तेज़ था, मुसलसल एक ही जितना रहता था, या फिर ऐसे तेज़ आहिस्ता होता था, सुइयाँ चुभती थी, उस तरह का दर्द था। वो फिर आपको पेन की जितनी टाइप्स हैं उनमें वो सारी टाइप्स आती हैं, आपने वो लिख देनी है कौन सी टाइप की पेन है, उनको कंटिन्यूस है कि नहीं, एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर उन्होंने आपको बताया वॉमिटिंग थी, वॉमिटिंग में आपने पूछना है कि उन्हें उल्टी खाने के बाद आती है कि वैसे ही आ जाती है, उल्टी में खून आता है कि नहीं आता, उल्टी में रेशा आता है कितना आता है तो, और दूर जाके उल्टी होती है बहुत फोर्स से, मतलब जोर से होती है, या फिर ऐसे करीब ही थोड़ा बहुत कुछ निकल जाता है, और रंग क्या होता है उसका, ये सारी बातें आपने वॉमिटिंग की डिटेल्स में पूछ लेनी है। अच्छा, वॉमिटिंग के बाद हमने अगली चीज़ ये उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंस है जिनकी हमने बहुत सारी हिस्ट्री अच्छी तरह से ले लेनी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंस में, ठीक है। इसमें आपने कोई बात इससे रिलेटेड छोड़नी नहीं है। फिर उनको जिस सिस्टम का मसला लग रहा है आपको, उस सिस्टम की आपने डिटेल ज़्यादा करनी। सपोज इनको अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है तो मोस्ट प्रॉब्ली GIT का उन्हें कोई मसला है, और अगर अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में तो जैगी की नहीं तो फिर लिवर में प्रॉब्लम है। आप GIT के बहुत सारे सवाल इनसे करें कि इनको नौजिया है, वॉमिटिंग होता था पहले, चक्कर आते थे, या फिर कभी
जो है वो खाना खुराक में कभी कोई मसला हुआ है, कभी इनको सीने में जलन होती, सीने में भारीपन फील होना होना, ऐसा कभी कुछ हुआ है कि नहीं, खाना हजम ठीक होता है कि नहीं, खाना पूरा खाते हैं कि नहीं, और GIT से जितने सवाल होते हैं वो आप इनसे पूछेंगे, क्योंकि इनका रूल आउट करने के लिए, ठीक है, चिकनाई कितनी खाते थे, ज़्यादा खाने की क्या कंडीशन थी या नहीं थी एंड ऑल दैट, ठीक है। ओके, ये करने के बाद आप आते हैं, अगली हेडिंग होती है पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। अब पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री में आपने, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।